हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इन दिस वीडियो में आज 29 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वही लेकर आई हूँ। आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, DRDO द्वारा जमीन से 25 किलोमीटर तक हवा से जमीन में मार करने वाली किस मिसाइल का चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया है। तो गाइज, राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, आकाश 1S का परीक्षण किया गया है DRDO ने। गाइज, यह जो मिसाइल है यह मीडियम रेंज की मिसाइल है और यह 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है। आइए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, बिम्सटेक संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में। क्वेश्चन नंबर 3, अजय देवगन के पिता एवं बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्शन डायरेक्टर का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, वीरू देवगन नाम है अजय देवगन के पिता का और साथ साथ यह बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध एक्शन डायरेक्टर भी थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, वीरू देवगन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पुनः मलावी का राष्ट्रपति चुना गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, पीटर मुथारिका को अभी हाल ही में फिर से मालवी का राष्ट्रपति चुना गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, पीटर मुथारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ख्याल भारतीय कला क्षेत्र में किस से संबंधित है। तो गाइस, ख्याल भारतीय कला क्षेत्र में किससे संबंधित है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है ख्याल भारतीय कला। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, भारतीय शास्त्रीय संगीत। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्किम के किस मुख्यमंत्री ने 27 मई 2019 को शपथ लेने के बाद घोषणा की कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को हर हफ्ते 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, प्रेम सिंह तमांग ने, जिन्होंने सिक्किम के मुख्यमंत्री के लिए 27 मई 2019 को शपथ लेने के बाद की घोषणा की थी कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को हर हफ्ते 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, प्रेम सिंह तमांग, जो कि सिक्किम के नए मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस दिन मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है। और गाइस, इस बार की जो थीम है इसकी वह है इट्स टाइम फॉर एक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 2019 से कर्मचारियों पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, 3% बढ़ाने की घोषणा की गई है हरियाणा सरकार द्वारा 1 जनवरी 2019 से कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, 3%। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी ने जर्मनी के म्यूनिख में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, स्वर्ण पदक जीता है भारत के युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी ने। और कहां पर,
जर्मनी के म्यूनिक में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 10, पनामा पेपर्स स्कैंडल से संबंधित रिश्वत के एक मामले में फरार घोषित पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री ईशाक डार के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पाकिस्तान और किस देश ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान और ब्रिटेन देश ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। क्यों किया है? पनामा पेपर्स स्कैंडल से संबंधित रिश्वत के एक मामले में फरार चल रहे पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री ईशाक डार के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। तो गाइज, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इन दिस वीडियो इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।